Assalamu alaikum. We are trying to write headings for presentations, and that's what we will be doing in this session. Ab headings humne jaise kaha ke sabse zyada zaruri cheez hai kyunki it pulls in your attention of the audience ya jo bhi dekh raha hai sun raha hai wo sabse pehle dekhta hai headings. Aur jab wo headings dekhta hai to usko ye decision le leta hai ki kya maine ye aage dekhte rehna hai, kya maine aage sunte rehna hai या नहीं. तो हेडिंग्स जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है फॉन्ट साइज़ में भी और वेटेज में भी, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होती है. तो हेडिंग के क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हेडिंग में? इट हैज़ टू प्रॉमिस बेनिफिट्स, प्रॉमिस अ स्टोरी, पुट द नंबर 3 एट द फ्रंट. अक्सर हमने ये देखा है कि अगर आप कहें ना कि जी 3 चीज़ें, 3 बेस्ट स्टेप्स, 3 रूल्स ऑफ लाइफ, तो वो लोगों को लगता है यार ये तो मुझे 3 चीज़ें पता चल जाएंगी, चाहे बाद में आप बोलते रहें बहुत ज़्यादा. अगर आप कहेंगे ना 10, 20, 37, अक्सर लोग नहीं पढ़ते कि इतनी लंबी लिस्ट कौन पढ़े. सो 3 वी हैव सीन इज अ वेरी आइडियल नंबर. प्रोवोक क्यूरियोसिटी, क्यूरियस करें लोगों को, एक सोच आए लोगों को कि हो क्या रहा है. मतलब हेडलाइन एकदम से सब कुछ ना बता दे, थोड़ा सा छोड़ दे लोगों की इमेजिनेशन को, क्यूरियोसिटी को उजागर करे. इवोक कंसर्न, ये भी हो सकता है कि आप लोगों में एक कंसर्न करें कि यू नो क्यों है ये बात, क्यों हो रही है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अगर आप सारी मिक्स एंड मैच कर लें तो ये प्रेजेंटेशन के टाइटल्स या हेडिंग्स बन सकती हैं. इसी तरह अगर हम कॉन्ट्रास्ट ले आए चीज़ों में तो उसमें भी बन सकती हैं. हम एक एग्ज़ाम्पल लिख के देखते हैं. हेडिंग का एग्ज़ाम्पल है, प्रेजेंटेशन है हमारी अबाउट, जो टॉपिक है हमारा वो है बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल. अब इसके बारे में हमें हेडिंग लिखनी है. अब हम जब सोचते हैं कि हेडिंग किस किस्म की हो तो हम ये भी यही हेडिंग बना सकते हैं जी, बेनिफिट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल. बट इतना ज़्यादा वाइल इट डज़ टेल मेक पीपल क्यूरियस कि क्या बेनिफिट्स हैं, मगर बहुत से लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट्स का पता है तो वो शायद आपकी प्रेजेंटेशन ना सुने. तो आपको उनको कुछ और ऐसी चीज़ बतानी है जिससे लोग शायद आपकी बात सुने. तो इसकी हेडलाइन जो है वो कुछ ऐसे हो सकती है. तो आपने कहा स्टे हेल्दी फॉर अ रिचर लाइफ. अब ये कुछ भी हो सकता है, ये रिचर एज इन आपके पास फुलफिल्ड लाइफ है, हर चीज़ मौजूद है, रिचर इन टर्म्स ऑफ मनी, व्हाट इज़ इट. तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपने इवोक कर दी, स्टे हेल्दी आपने बताया कि किस टॉपिक क्या है, आप किसके बारे में बात करेंगे, और एक आपने थोड़ा सा कंसर्न भी बताया है कि जी आपको हेल्दी रहना है अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू राइट हेडलाइंस. वी होप दैट यू राइट मेनी मोर, प्रैक्टिस एंड हैव फन विद इट. थैंक यू.